तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई बातें बताता हूँ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है 10 टायर ट्रक के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया था जो 12 टायर ट्रक के ऊपर था, एक वीडियो मैंने बनाया जो 6 टायर ट्रक के ऊपर है, और आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो है 10 टायर ट्रक के ऊपर और स्पेसिफिक वो है आईचर ट्रक के बारे में। मतलब कि आज जो मैं 10 टायर ट्रक लेकर के आया हूँ, कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड, वो सारे के सारे 10 टायर ट्रक जो है वो आईचर के हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार में जानते हैं और बताते हैं कि आईचर ट्रक्स के कौन कौन से मॉडल्स हैं जो कि 10 टायर ट्रक के अंदर आते हैं, किस कीमत पे आते हैं, इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या रेट में मार्केट में मिल सकता है, इसके अलावा आप ये सारे जो ट्रक्स है इसको कहाँ चला सकते हैं, किस तरह का बिजनेसेस कर सकते हैं, क्या माइलेज है, इसके साथ ही कितना पावर देती है, कितना का टैंक है, और बाकी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। और साथ में यहाँ पे एक आइडिया भी हम आपको दे देंगे कि पर किलोमीटर कोस्ट जो है आपका रनिंग कोस्ट जिसको बोलते हैं वो कितना हो सकता है, इससे आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना बिजनेस करके प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर और डिटेल्स में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया कुछ ट्रक, 6 ट्रक जो कि आज मैं आप लोग एक साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें पहला ट्रक है आईचर प्रो 6028, ये ट्रक आईचर के अंदर आता है, 10 टायर ट्रक है। इसका रेट की मैं बात करूं तो 38 लाख रुपए का दोस्तों ये ट्रक आता है। एक शोरूम प्राइस, ये रेट जो है चेंज हो सकता है सिटी वाइज, शोरूम के वाइज ये रेट चेंज हो सकता है। दूसरे ट्रक की हम बात करते हुए आईचर प्रो 6028 टीपर, जो कि टीपर के श्रेणी का ट्रक है और ये 47 लाख रुपए तक का आता है। तीसरे ट्रक की हम बात करते हुए आईचर प्रो 8028 XM टीपर, ये भी टीपर के श्रेणी का है, 57 लाख रुपए तक का ये ट्रक आता है। ये सारे जो रेट्स मैं बता रहा हूं ये एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड कीमत इसका अलग हो सकता है, एक्स शोरूम प्राइस भी अलग हो सकता है, क्योंकि सिटी वाइज जो है रेट्स चेंज हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आईचर के नेक्स्ट ट्रक की, जो है आईचर प्रो 8055, ये 60 लाख तक का आता है। वहीं पे जो सबसे लास्ट में मैं लेकर के आया हूं वो है आईचर प्रो 8028 XC, ये भी टिपर श्रेणी का ट्रक है और ये 48 लाख रुपए तक का आता है। तो ये 6 ट्रक है जो कि आईचर का है, जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, और सारे के सारे जो है 10 टायर के ट्रक है। बात कर लेते हैं मेंशन के बारे में, तो दोस्तों ये सारे ट्रक्स BS6 श्रेणी के हैं। इसमें और परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो अगर माइनिंग एरिया में जाते हो तो वहां पे आपको ये सारे ट्रक्स ऑलमोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि माइनिंग में बहुत ज्यादा आईचर के ये सारे ट्रक्स जो है वो यूज होते हैं, क्योंकि टीपर श्रेणी का ट्रक है तो टीपर जो है ज्यादा करके माइनिंग में ही चलता है। बात कर लेते हैं इसके GVW की, तो इसका GVW है दोस्तों 28,000 kg से लेकर के 55,000 kg तक। वही हम पावर की बात करते हैं तो ये दोस्तों 210 HP से लेकर के 350 HP तक। और टॉर्क की हम बात करते हैं, चूंकि ये टीपर श्रेणी का ट्रक है तो टॉर्क बहुत ज्यादा मायने रखता है, और ये जो ट्रक्स हैं ये 850 Nm टॉर्क से लेकर के 1150 Nm टॉर्क उत्पन्न करता है। बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक का, टीपर श्रेणी है तो ज्यादा इसको दूरी जाना नहीं होता है, लंबे दूरी के लिए लोग ये सारे ट्रक्स नहीं है। इसमें कुछ ट्रक्स है जो कि लंबे दूरी के लिए ट्रक्स यूज किए जाते हैं, रिगिड बॉडी के साथ, ओपन बॉडी के साथ। तो इसमें जो टैंक आपको लगा हुआ है फ्यूल टैंक वो है 220 लीटर से लेकर के 350 लीटर तक। हर तरह के जो ट्रक्स है, जितने भी ट्रक्स मैंने बताया है, इसमें किसी में ज्यादा है किसी में कम है, मतलब एक अप्रोक्सीमेट जो है मिनिमम जो इसमें टैंक दिया गया वो 220 लीटर का, जबकि मैक्सिमम जो दिया गया वो है 350 लीटर का। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके पेलोड के बारे में, तो ये है 12 टन से लेकर के 16 टन का ट्रक और टिपर, इसमें 12 टन से लेकर के आप 16 टन तक का मटेरियल लेकर के जा सकते हो। वहीं पर माइलेज की बात करते हैं तो 3.5 किलोमीटर पर लीटर से लेकर के 4.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको ये ट्रक दे देता है। बात करते हैं दोस्तों बॉडी के बारे में, तो ये ट्रक्स भी आपको केबिन विद चेसिस के साथ आता है, और इसके साथ ही इसमें अच्छे खासे जो है डैशबोर्ड डिजाइन दिए गए हैं, जो फोटो में आपको दिखा रहा हूं उससे भी देख करके आप समझ सकते हो। और बात करते हैं व्हीलबेस के बारे में, क्योंकि आपका इसमें टीपर है, इसमें रिगिड बॉडी ट्रक है, तो इसमें व्हील बेस जो है वो कम भी है और ज्यादा भी है। तो इसमें व्हील बेस आपको मिलता है 4000 mm से लेकर के 5350 mm तक। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रक्स अगर आप
यूज लेते हैं तो कितने तक का पड़ेगा, तो ऑन एन एवरेज आप मान के रखिए 20 लाख से ये सारे ट्रक्स अप्रोक्सीमेट स्टार्ट होते हैं और चले जाते हैं 27-28 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन कि जो ट्रक्स है उसका कंडीशन क्या है। अगर ज्यादा हैवी लोड वाला ट्रक है, ज्यादा पुराना नहीं है, तो इसका रेट जो है वो यूज में भी ज्यादा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में कि अगर आप ये ट्रक चलाते हो तो आपका अप्रोक्स कॉस्टिंग क्या आने वाला है। तो दोस्तों इसका कॉस्टिंग जो है आपको ऑपरेट करके सारे कॉस्ट मिलाकर के अप्रोक्सीमेट 35 रुपए पर किलोमीटर का कॉस्ट आएगा। इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है, बट आप मान के रखिए कि 35 रुपए पर किलोमीटर का कॉस्ट ये सारे ट्रक या ट्रिपर चला करके आपको आने वाला है। बात करते हैं कि ये ट्रक्स आखिर चला कहां सकते हैं आप। तो चूंकि ये हैवी लोड का ट्रक है तो सबसे ज्यादा अगर टिपर की हम बात करते हैं तो ये माइनिंग में तो चलेगा ही चलेगा, जितने तरह के माइनिंग के बिजनेसेस होते हैं। इसके साथ ही इसको आप कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं, जितने भी टिपर ट्रक है। अब बात कर लेते हैं जो इसमें रिगिड बॉडी ट्रक है, मतलब ओपन ट्रक है, इसको कहां पे चला सकते हैं। तो इसको कहीं भी आप हैवी लोड में चला सकते हैं, आप सब्जी फल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, उसके अंदर इंडस्ट्रियल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, इसके अलावा चावल दाल गेहूं जैसी जो खाद्य सामग्री होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, तेल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तेल मतलब जो पैक्ड ऑयल जो होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, आप टैंकर मत समझ लेना। तो यहां पे आप ये सारे ट्रक्स का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो गया, वहां पे इसको चला सकते हैं। इसको आप ई कॉमर्स में नहीं चला सकते, अगर आपने इसका रिगिड बॉडी ट्रक बनाया है तो इसको आप ई कॉमर्स में नहीं चला सकते। अगर इसको आपने कंटेनर बॉडी ट्रक बना दिया तो फिर आप इसको ई कॉमर्स में चला सकते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स जो हो जाते हैं वहां पे आप इसको चला सकते हैं, शिपिंग वाले गुड्स जो हो जाते हैं वहां पे इसको चला सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे मार्केट लोड या फिर सेंडरी लोड जो होते हैं वहां पे इसको चला सकते हैं। लॉजिस्टिक कंपनियां जितनी है वहां पे आपका ये ट्रक जो है, खास करके ओपन वाले जो ट्रक्स है वो आराम से चल सकते हैं। तो ये कुछ बिजनेसेस थे जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था ये सारे ट्रक्स से करने के लिए। अब आप देखिए कि आपके एरिया में किस तरह का बिजनेसेस इसमें से मैच करता है जहां पे कि आप ये ट्रक चला सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।